और उस पे देखो क्या लोड है उस वाले ट्रक पे। ये हमारा पहला टोल प्लाजा है भाई आज के दिन का। हे गाइस गुड मॉर्निंग सर, आज का ब्लॉग करते स्टार्ट। फिलहाल गाइस हम आगे ना सो गए थे। पहले ये मशीन देखो भाई, रात में ये गाड़ी आ रही थी ना पूरा भाई बराबर आवाज करके आ रही थी और हम सोए थे आल मिट्टी के पास में। भाई पूरी रात भर गाड़ी चलाई, जैसा कि यार मेरी हालत भी देख सकते हो, आँखों की बस आँखों से पता चलेगा कि बंदा जाग रहा था कैसे हो रहा था। अभी भाई पहुँच चुके हैं आल मिट्टी और धीरे धीरे करके ना आगे बढ़ रहे हैं। और ये भाई ये नदी, ये नदी जाके ज़्यादा करके आपको बताता हूँ भाई, बॉर्डर होता है यार जंगल के बीच में पड़ेंगे या नदी के बीच में पड़ेंगे। ये जो बॉर्डर पड़ते हैं ना, ये जंगल और नदी के आस पास पड़ता है भाई। तभी अपने को कर्नाटक मिलने वाला है, कर्नाटक का बॉर्डर। इसके बाद कर्नाटक पार करेंगे फिर मिल जाएगा भाई महाराष्ट्र का। तो भाई और गाइस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, हम आपको कुछ अलग ट्रक लाइफ स्टाइल ब्लॉग दिखाते बनाते चलेंगे। आ जाओ कंटिन्यू करते हैं भाई ब्लॉग। भाई सामने तो बड़ा एक्सीडेंट यार दिख रहा है। ओ भाई यार दिखाता हूँ, उनको दिखाता हूँ, नजदीक में पहुँचने दो। कार किलर हो भी है मेरे जैसा, ये देखो भाई अपना कार किलर है। वैसे ड्राइवर कंडक्टर होंगे उसमें सेफ होंगे क्योंकि केबिन को कुछ नहीं हुआ है। और यहाँ से भाई टूटा, यहाँ से भाई इस डिवाइडर से देख रहे हो, इस डिवाइडर से गाड़ी इस पार गई है। यानी रात में चल रहा होगा बंदा, वो भी नाइट में। तभी पहुँच गए भाई राजस्थानी होटल पे। अब यहाँ पे ना कर लेते हैं नाश्ता के लिए, कल रात में कुछ नहीं खाया था यार, ऑमलेट खाया था। अरे यहाँ पे ना आराम से चलते यार, क्योंकि यार 3 बार एक्सीडेंट देख लिया 3 बार। और यहाँ पे देखो संदीप की गाड़ी लगी है, जिस कंपनी की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। आजा गाड़ी हम यहीं पे लेंगे और नहाएंगे। ये भाई न्यू यार मैप पे न्यू लिख रहा था, न्यू महादेव राजस्थानी होटल राइट का। और ये नहाने का सामने है भाई, पानी भी चल रहा है मस्त। ये भाई नहाने का अपना जुगाड़ नहीं है, ऐसे ही बना रहता है भाई स्विमिंग पूल। आराम से आओ नहाओ, तो चलते भाई नहाते हैं आराम से और नहाने के बाद नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद आगे निकलेंगे। और ये सीट बेल्ट जो हमारी रक्षा करता है पहले उसको निकाल देते हैं, क्योंकि यार ये चीज़ ना बहुत हिसाब से काम करती है। और एक बात और बता दूं, कभी कभी ये ख़राब भी काम करती है, जहाँ पे टर्निंग लेना रहता है वहाँ पे अगर सोचो कि मुंडी निकाल के बाहर देख लो या कोई चीज़ है यानी फटाक से काम कर लो, तो ये तुरंत ना खींच देती है। जैसे कि अभी देख सकते हो आराम से खींच लिया, अब इसी को उठ गई ऐसे अटक जाती है, अटक जाते ऐसे वो सिस्टम से बनाया गया है कि यानी ड्राइवर बैठ रहा है जब सीट पे झटका लगे ना तो पूरा दबा ले, ठीक है, उसको बांध के रखे सीट में। कभी कभी क्या होता है एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट में ज़्यादा करके गाड़ियाँ ये जो घोड़ा है जिसमें हम बैठे हैं ये ज़्यादा जंपिंग करता है, तो ड्राइवर शीशे से बाहर चला जाता है, इसके लिए ये चीज़ बना हुआ है। आ जाओ यार टाइम बेकार ना करें, फटाफट नहा लेते हैं और नहाने के बाद फिर निकलेंगे आगे। नाना दोनों भाई अपना हो गया, पर यहाँ ना पराठे नहीं, आ जाओ चाय पीते हैं। और चाय पी के निकलते क्या करें, अभी इतना सुबह यार खाना भी नहीं खाया जाएगा, अभी 9:30 बज रहे हैं। चाय साय पीते हैं फिर निकलेंगे भाई। चलो भाई चाय भी ख़त्म कर ली, बस थोड़ी सी और बची है,
और पीपा के मस्त निकलते आगे। यहाँ प्यार लग चुकी है आड़ी टेढ़ी गाड़ियाँ। अभी अपने गाड़ी को ना बैक पूरा मारना पड़ेगा, बैक करके निकलेगी यार। अब देख ही सकते यार कहाँ से निकलेगी, इधर से ये गाड़ी, इधर से ये गाड़ी। आ जाओ निकलते हैं, बैक करते हैं। ये हमारा दूसरा टोल प्लाजा बिरजापुर का, बिरजापुर बोलते हैं भाई, जो क्या क्या बोलते हैं, जो बोल दें। और उस पर देखो क्या लोड है उस वाली ट्रक पे, यार गजब सा मशीन है, देख रहे हो। आ जाओ दूसरा भी टोल प्लाजा पार करते यार। स्टॉप, वेलकम टू BST फ्यूल। ओके यस, वेलकम टू फ्यूल बोला है आपके। और मेरी गाड़ी से निकला धुआं, पूरा काला काला कर दिया। चलो आराम आराम से भाई निकलते हैं। नाश्ता तो अपने को मिला नहीं, देखते हैं अगर आगे नाश्ता मिल जाता है ना, पराठे मज़ा आ जाएगा। क्योंकि भाई पराठे ना मुझे मज़े आते खाने में, आलू के वहाँ पे भाई मिला नहीं। बोल रहे अभी डेढ़ घंटे में खाना चालू होगा, तो यार खाना सुबह के 9:30 पे खाना मज़ा नहीं आता। आ जाओ दूसरा होटल चेक करते हैं। और यहाँ पे पढ़ सकते हो बेलगामी हुबली अथानी 215-284-80। और यहाँ पे भाई मारुति हो रही है खाली, कौन सी कंपनी है भाई, शिव शक्ति ट्रांसपोर्ट कंपनी भाई नाम ही ऐसा है। वहाँ पे देखो भारतगंज का घोड़ा, घोड़ा नहीं है डंपर, पूरा चला गया है नया नया, अच्छी खासी कंडीशन से भाई, क्या बताऊँ। ये जो सामने दिख रहे ना ये कारों की यार्ड है, कोई भी कार लेके आता है तो अपना अपना यार्ड रहता है हर एक जगह पे। तो यहाँ पे भाई ये कार की यार्ड है, जिस तरह लोग बना के ना रखते हैं, इसके लिए शोरूम पे नहीं खाली करवाते, क्योंकि शोरूम सिटी में पड़ जाता है और यार्ड बाहर ले लेते हैं तो यार्ड में खाली करवा देते हैं। अभी जैसे कि सामने भी ऐसा ही है। 11 बज चुके हैं भाई, अभी कुछ आगे ना हम ये सरदार जी का होटल मिला, जम्मू पंजाब हिमाचल ढाबा गिरधारी शर्मा। ओ भाई आ जाओ भाई, खाते हैं यहाँ पे पराठे, उसके बाद निकलेंगे आगे। अभी गाड़ी को ना लगाते हैं बढ़िया से, आगे बढ़ा के लगाएंगे सही रहेगा, गाड़ी को भी सीधी करनी है। ये भाई हो गई सीधी, बस गाड़ी कहीं पे लगाओ ना सीधी कर दो बस। अभी थोड़ा सा रुक के गाड़ी को बंद करते हैं और देखते हैं भाई पराठे वराठे खा के निकलेंगे आगे। ए भाई बंद हो गया, ये भी आराम कर ले और हम भी। इसको यार प्यास लग रही है, यानी इंजन गर्म हो रहा है और पानी ज़्यादा खा रही है गाड़ी, तो पानी डालेंगे अभी और फिर उसके बाद पराठे खाएंगे आगे निकलेंगे। ये आ गए भाई अपने सलाद, प्याज और इस पर निचोड़ते हैं नींबू, क्योंकि नींबू निचोड़ने के बाद ना मज़ा आ जाता है। और इस पे भाई ये नमक, ये रहे भाई अपने पराठे पूरा तेल में डूबा हुआ। आ जाओ भाई फटाफट ना पूरा करा रहे हैं, ख़त्म करते हैं बस, ठंडा हो जाए यार, ठंडा भी होने में टाइम लगेगा। और ये उड़द की दाल है काले काले, आ जाओ फटाफट ना इसको खाते हैं मस्त भाई। कर्नाटक से तो एग्जिट हो गए और पहला बॉर्डर पार कर लिए भाई कर्नाटक वाला, अब ये घुस चुके हैं महाराष्ट्र में। तो ये महाराष्ट्र का बॉर्डर है, ये भी भाई पार करते हैं, उसके बाद पूरी तरीके से ना महाराष्ट्र में आ जाएंगे। आ जाओ लाइन में लगते हैं फिलहाल, क्योंकि बिना लाइन का ना कोई भी मसला हल नहीं होने वाला है भाई। कहीं पर भी रहो या पैसे आते हो या फ्री में जाओ भाई, लाइन तो लगाना ही पड़ेगा। आ जाओ भाई ये सरिया लोड है इनमें और इनके पीछे लगते हैं हम। 8 पे भाई पहुंच गए, अभी ये गाड़ी निकल रही है, इसके बाद हम लगाते हैं भाई। इनका तो आगे का ऊपर खुल गया, खुल तो गया भाई। आ जाओ हम भी बढ़ते हैं भाई आगे। We'll be right back.
बॉर्डर से भाई निकल गए। अभी मेरे सामने वाली गाड़ी ना शायद मिट्टी लोड की है, लाल वाली, इसके लिए इतना धुआं निकल रहा है और स्लो चल रही है। और यार एक बात और बता दूं, वैसे मेरा शक्ल देख के थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, क्योंकि यार सच बताऊं तो ड्राइवरों का कोई भी इज्जत नहीं है, ठीक है। वैसे कोई भी नहीं इज्जत करता यार, जहाँ तक कि इंडिया में मैं जब से गाड़ी चला रहा हूँ ना, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जिनको भी देखता हूँ ना, सब लोग रे करके बात करते हैं, कोई भी अच्छे से बात नहीं करता। कोई 10 में से एक ही मिल जाएगा जो मिल जाएगा अच्छे से बात करने के लिए। फिलहाल सब लोग ना वही भाई रेटे करके बात करने वाले मिलते हैं। भाई आप ही बताना क्या ये बात सच है या गलत, क्योंकि भाई मैं जब से गाड़ी चला रहा हूँ तब से मैं यही देख रहा हूँ। भाई मेरा दिमाग खराब होता है भाई जब कोई ना अच्छे से बात नहीं करता। महाराष्ट्र एंटर करते ही भाई 5 किलोमीटर अंदर नहीं आए महाराष्ट्र में, ये पहला टोल मिल गया। अब इसको पार करते हैं, इसके बाद देखते हैं भाई कितना दूर पे दूसरा टोल आता है। वैसे 50 किलोमीटर बाद एक टोल पड़ता है। ये गाड़ी को स्लो करते हैं, आराम से भाई पार करते हैं, नहीं तो उनका वो जो बैरियर लगा हुआ है ना डंडी सा, वो तोड़ ताड़ के भाई आगे निकल जाएगी गाड़ी, फिर मुझे डांड भरना पड़ेगा। इसके लिए प्यार से पहले ही गाड़ी को कंट्रोल कर लो और आराम से निकलो। अब ये ग्रीन हो जाएगा ना और टोल कट जाएगा, पे हो जाएगा, फिर आराम से निकलो। अभी सामने भाई नंबर आ जाएगा स्क्रीन पे। ये डंडी टच कर रहे हैं क्योंकि कभी कभी नेटवर्क नहीं रहता। आ जाना ट्रक, आ जा, निकलते हैं भाई। अभी ये सामने देखो पुलिस वाले हैं, ये 4-व्हीलर और 2-व्हीलर और 3-व्हीलर को ये ट्रैक करते हैं, ठीक। अभी देखो बीच में खड़े हैं, और हम तो यार ट्रक वाले हैं, हमके तो आराम से निकलने दो। चलो निकल गए भाई, अभी देखो वहीं पे खड़े हैं। तो भाई हमें अभी यहाँ से ना पूना के लिए उतरना पड़ेगा लेफ्ट में, और यहाँ से जस्ट 2 किलोमीटर यहाँ से मुझे दिख रहा है भाई शोरूम, और 2 किलोमीटर यहाँ से शोरूम होगा, 2 से 3 किलोमीटर होगा, ज़्यादा नहीं। वैसे शायद दिख रहा है वही होगा, अभी देखते हैं। इस साइड में रहा भाई टाटा का शोरूम, और इस साइड में है हुंडई का शोरूम, और यहाँ पे ना आपको सारे शोरूम मिल जाएंगे। और ये रहा टोयोटा का, ये रहा महिंद्रा का सोलापुर, भाई ध्यान रखना। और ये सामने कौन सा है भाई, ये रहा होंडा का, होंडा का शोरूम। और ये कौन सा टोयोटा का भाई, टोयोटा एक यहाँ पे भी है। यहाँ पे सारे शोरूम लगभग लगभग रोड पर ही है भाई, और न्यू हॉलैंड, यहाँ पे ट्रैक्टर भी आते हैं ना, यहाँ पे न्यू हॉलैंड का भी है, वहाँ पे महिंद्रा का ट्रैक्टर है वो भी यहीं पे है। ये रहे न्यू हॉलैंड के बाजू में ही है। अभी हमें तो भाई किया लोड खाली करनी है, रुकिया के लिए अभी आगे जाना पड़ेगा। ये रहा भाई किया का शोरूम, और किया के शोरूम के जस्ट सामने ही कट है। अभी हमें ना यहीं पे डालना है कट से लेफ्ट साइड, इंडिकेटर पहले से दे दिया हूँ कि कोई घुसे ना। ये आ गया भाई अपना किया का शोरूम, आ जाओ अंदर चल के बिल्टी देते हैं और पूछते हैं कहाँ पे खाली करेंगे, कहाँ पे यार गाड़ी उतरवा के रखवाएंगे। यार भाई फलका खोल के ना स्टॉपर बेल्ट सारे के सारे खोल के
भाई साइड में रख दिया हूँ भाई, बस एक एक करके अब निकालनी है। पहले यार चाबी निकाल लेते हैं क्योंकि चाबी इसके अंदर है। ये रहा भाई, देख दो प्लास्टिक में चाबी रखी जा रही है। ये किया कि पहली कार में भाई एंटर हो चुके हैं। स्टार्ट बटन दबाते हैं इसको भाई, एसी चालू करते पहले। हो जा भाई, सीट को आगे करते हैं भाई क्योंकि सीट अपने हिसाब से ना पैडल पकड़ ले कर दे फिर दिक्कत होगा। अब गाड़ी को दोनों ब्रेक एक्सीलेटर दबा के इसको स्टार्ट करते हैं। हो गई स्टार्ट, एसी भी हो जा भाई, एसी भी हो गई। और इसको फिर अपने मोड में किया जाए कि यानी हवा हमको तो आ गई भाई, हवा आ गई ठंडी ठंडी। अब थोड़ा ना पसीने को आराम मिलेगा। हो गया भाई, आ जाओ। अब इसको धीरे धीरे करके बाहर निकालते हैं। अभी नीचे की देख सकते हो सारी कारें खाली हो गई। अब ना ऊपर की बात है तो फटाफट यार ये चीज़ निकालते हैं जो कि इसको बांध के रखता है। अब फिर उसके बाद ऊपर की भी उतार लेते हैं। इतना इधर गर्मी है ना भाई, फिर आंध्रा से कम गर्मी है इधर, आंध्रा से ना कम गर्मी है। एक और बस हो गया। अब फटाफट यार इसको डाउन करते हैं, ऊपर की भी तीन कारें ना नीचे कर देते हैं। बच गई अपनी लास्ट कार, इसको भी फटाफट उतारते हैं क्योंकि यहाँ पे ना आज कुछ है। इसके अभी पुलिस वाला आया था, बोल रहा है कि भाई फटाफट खाली करो, खाली करके गाड़ी हटाओ। तो फटाफट भाई ना ये लास्ट कार उतारते हैं। इसके लिए आपको ना अच्छे से यार उतारते समय वीडियो नहीं बनाया क्योंकि यार बोल रहे फटाफट उतारने के लिए, वैसे भी हालत पंचर हो जाती है गर्मियों में। फटाफट भाई खाली करके ना और फिर से आगे फटाफट निकल जाते हैं क्योंकि बोल रहे हैं कि यार जाम लग जाएगा अभी, क्योंकि आज कुछ है इन लोगों का। इसके लिए बोल रहे कोई आ रहा है, इसके लिए फटाफट निकल जाओ। और किया का शोरूम हम निकलते हैं भाई फटाफट आगे। अभी आ चुके हैं भाई हम माहौल में, और ये रहा माहौल के कुछ नज़ारे। और माहौल के एक भाई साहब थे, उनसे भाई मिलना था, आ जाओ उनसे भी मिलते ना आज चलते हैं क्योंकि इसके बाद हमारी गाड़ी लोड होगी तो दिल्ली साइड जाएगी। ये लास्ट चक्कर है इधर का, दिल्ली साइड जाएंगे। अब यार आगे भी लेकर आ गया, इसको भी संभाल लेते हैं भाई, फिर उसके बाद दिल्ली जाएंगे। वो कूद गया भाई, चलो कोई बात ना। धुआ देखो भाई, धुआ कितनी गाड़ी छोड़ रही है। दिल्ली साइड जाएंगे भाई अब की बात, और उसके बाद थोड़े कुछ दिन तक रेस्ट, उसके बाद फिर से वापस आएंगे। अभी इसके लिए ना जा रहा था तो बोला भाई कि सोलापुर का लोड है और माहौल वाले भाई साहब से मिल लिया जा और उसके बाद ही जाए, नहीं तो वो बोलेंगे ना कि यार भाई आता है इसी रोड से पर मिल के नहीं गए। तो आ जाओ आज मिल के ही चलेंगे। अभी सामने कहीं भारत का पंप है, वो दिख रहा है भाई यहाँ से 1.5 किलोमीटर। उसी पंप पे रुकते हैं और मिलते फिर उसके बाद भाई कंटिन्यू करेंगे पूरा। अभी सामने भाई गाड़ी ये बैक हो रही है, वैसे भाई मस्त व्यू आ रहा है क्योंकि लाइट सीधा सीधा आ रही है ना, और हम रॉन्ग साइड से आ चुके हैं भाई। सरदार जी का यहाँ पे ढाबा है, क्या लिखा है, ज्ञानी ढाबा। तो गाड़ी अपनी यल से अपने बनाई है, अभी देख सकते हो। और ये गाड़ी निकली ना अब, तो गाड़ी अपनी यल से अपने बनाई है, अभी देख सकते हो। और ये गाड़ी निकली ना अब, चढ़ा के भाई मारेंगे। और भाई मेरा स्टैंड निकला है यहाँ से, आ जाओ पहले स्टैंड लगाए क्या नहीं जान दो, गाड़ी ना सीधा पार्किंग में डालता है। आ जाओ
पार्किंग दिख रही है क्या भाई? नहीं दिख रही ना, पार्किंग इधर है, इधर है पार्किंग। एक बार और आया था, यहीं पे लगाया था भाई अपनी गाड़ी, और आज फिर यहीं पे आया। गाड़ी से तो नीचे आ गया हूँ क्योंकि जगह देखने के लिए गाड़ी अभी दौड़ डाली है। अब इधर देखना पड़ेगा भाई बराबर हमारी गाड़ी बैठेगी या नहीं, क्योंकि थोड़ा सा मेरी गाड़ी लॉन्ग है, अगर ये पत्थर नहीं रहते तो भाई शायद बैठ जाती। लग गई भाई अपनी गाड़ी यहाँ पे, पहले ना वहाँ पे लगाया था पर वहाँ पे अपनी गाड़ी आई नहीं बराबर, तो इसके लिए अभी इधर लगा दिया हूँ, पर बराबर आ गई है भाई मस्त पीछे तक। और आज का भाई सफ़र और दिन बस यहीं तक, और हम इस टाइम तन भुरनी पड़ता है भाई, यहीं पर हम रुके हैं और यहीं पे भाई अभी सोया नहीं था रात में, तो यहाँ पर सोएंगे और उसके बाद मस्त यार नींद मारेंगे। अभी तो फिलहाल चलते हैं नहाते धोते हैं, नहा धो के भाई खाना खाएंगे, आराम करेंगे, मस्त सोएंगे। कल सुबह फिर देखते हैं कहाँ पे बुलाते हैं, रंजनगांव या चाकन, क्योंकि दिल्ली साइड जाना है तो भाई दो जगह से लोड मिलेगा, या पूना से भी मिल सकता है यानी रंजनगांव से, और चाकन से भी मिल सकता है इसके लिए। ठीक, पूरी गाड़ी अपनी बराबर लग चुकी है, देख रहे हो पहाड़ी इलाका में थोड़ी आड़ी टेढ़ी लगी है, आड़ी टेढ़ी मतलब इधर थोड़ा सा बचा है इधर और थोड़ा सा, देख रहे हो थोड़ा थोड़ा। आ जाओ गाड़ी को करते बंद, क्योंकि हम ना गाड़ी हमारी ठंडी हो चुकी है, क्योंकि 5 मिनट 10 मिनट लगभग 7-8 मिनट ना हो गया अपने गाड़ी को स्टार्ट किए हुए। अभी क्या जब गाड़ी तुरंत रोको ना तो कुछ टाइम तक छोड़ दो, क्योंकि हवा लगेगा ना, पंखा जो चलता है अंदर वो इंजन को थोड़ा ठंडा करेगा, उसके बाद बंद करो, केबिन भी ठंडा रहेगा, गाड़ी भी अच्छा रहेगा। शाम के भाई बज चुके हैं 6:30 और हम भी नहा धो के मस्त रेडी हो गए खाने के लिए, पर फिलहाल अभी यार 6:30 बज रहे हैं, तो अभी दिन देखो अभी कैसा है। तो ये भाई कुछ दिन है, और अभी चल रहे हैं ना चाय पीने होटल पे, और होटल वो सामने है और गाड़ी लगाई है हमने पीछे। आज जो चाय पीते हैं, चाय पी के ना फिर उसके बाद खाना खाएंगे 9 या 10 बजे। अब इसी रास्ता है भाई पत्थर वाले, और सामने होटल जो कि जा रहे हैं ना चाय की चुस्की लेने। ये रहे भाई अपनी चाय, और मस्त बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि फिलहाल अभी तो कुछ है नहीं, बस टाइम पास करना है और एंजॉय करना है, चाय की चुस्की लेके मस्त आराम से भाई, ठंडा ठंडा मौसम है। तो आज का व्लॉग भाई कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो ना तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। अभी यार उसी होटल पे हैं, तो फिलहाल इसी होटल पे व्लॉग एंड करेंगे, क्योंकि अभी जा रहा हूँ यार थोड़ा सो लूँ, क्योंकि नींद आ रही है, आके देख सकते हो भाई थोड़ा लाल लाल सी है। तो आ जाओ भाई व्लॉग को एंड करते हैं, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और अच्छी इस वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय एंड जय हिंद।